खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ मुख्यमंत्री जिले में यात्रा से पहले ही प्रतापगढ़ शहर सहित पूरा जिला अंधेरे में डूब गया है। विद्युत निगम की लापरवाही के चलते मध्य रात्रि से ही शहर सहित जिले भर की बिजली बंद है। बिजली विभाग की कई टीमें देर रात से खराबी तलाशने में जुटी हुई है, मगर फिर भी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। लगभग देर रात बाद से बिजली गुल होने से उपभोक्ता भी परेशान है। जिले में निम्बाहेड़ा से आने वाली सप्लाई के बीच में फॉल्ट होने के बाद बिजली बंद है। सूचना पर निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और विजिट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की विद्युत निगम की टीम भी प्रतापगढ़ पहुंच गई है, लेकिन बिजली बहाल नहीं हो पाई है। जहां एक और मुख्यमंत्री का दौरा है और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रही है, वहीं देर रात से विद्युत सप्लाई बंद होने से लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, आज वसुंधरा राजे का प्रतापगढ़ में दौरा है और प्रतापगढ़ में सभा भी होनी है और जनसंवाद कार्यक्रम भी प्रतापगढ़ में रखा गया है। बावजूद इसके यहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो है बिल्कुल डगमगा चुकी है, तो वही विद्युत विभाग के तमाम जो कर्मचारी है वो फॉल्ट को तलाशने में लगे हुए हैं। अभी तक उन्हें कोई फॉल्ट नहीं मिल पाया है। समाचार मिलने तक अभी भी लाइट जो है प्रतापगढ़ की गुल बताई जा रही है। बिजली विभाग के लिए आफत बन चुकी है ये फॉल्ट। अभी तक इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है।